नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। बहरोड थाने पर फायरिंग के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुज्जर की जमानत याचिका पर मुंडावर एवं तिजवारा न्यायालय में आगामी 30 जून को बहस होगी। पपला के वकील एडवोकेट गोविंद सिंह रावत ने बताया कि शुक्रवार को तिजवारा एवं मुंडावर न्यायालय में पपला की जमानत याचिका पेश की थी। दोनों ही न्यायालयों में जमानत याचिका पर बहस के लिए आगामी 30 जून की तारीख निर्धारित की है। एडवोकेट रावत ने बताया कि उनके द्वारा न्यायालयों में प्रस्तुत की गई याचिकाओं में ये भी बताया गया है कि दोनों ही मुकदमों में पुलिस ने चालान पेश नहीं किया है। वर्तमान में पपला को जेल में रहते लगभग 5 महीने हो गए हैं, जबकि चालान प्रस्तुत करने से गिरफ्तारी की अवधि 90 दिन की होती है। पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं करने से जमानत आवेदन को प्रस्तुत करना जरूरी था। आपको बता दें कि गैंगस्टर पपला को लगभग 5 माह पूर्व राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए एनबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।